नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपर फास्ट इंडिया एक्सप्रेस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूनम कश्यप। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की बात करते हैं, जहां पर पुलिस और स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना सिंभावली क्षेत्र से जो है ये इन लोगों ने रात में लूटा हुआ था जो है, तो तत्काल पुलिस से घेरेबंदी की और इसमें रेकी की। रेकी करने के बाद जो है इंस्पेक्टर सिंभावली अपनी टीम के साथ लगे रहे और ये 24 घंटे के अंदर इनको सुराग लग गया और उसके बाद इन्होंने अगले 48 घंटे में इसमें घेराबंदी करके जो है ये 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और पिकअप भी बरामद कर लिया। साथ ही जो दूध का कैन था उसको बरामद कर लिया। साथ ही साथ जिस वाहन से ये लोग घटना करने आए थे, सेंट्रो गाड़ी, उसको बरामद कर लिया है। इस तरह से इस लूट के मामले में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके सभी जो है लूट के माल को बरामद करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। गाजीपुर के रामचंद्र बाल भारती स्कूल प्रांगण में 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को आपदा की उत्पन्न परिस्थितियों में किस प्रकार लोगों की जान बचाई जाए और उपचार उपलब्ध कराया जाए, इसका प्रशिक्षण दिया है। आज रामचंद्र बाल भारती में एक स्काउट गाइड का ट्रेनिंग दिलाया जा रहा बच्चों को। इस पर आप अपना पूरा परिचय बताएं पहले। प्रबंधक रामचंद्र बाल भारती स्कूल जमानिया, इस विद्यालय के प्रबंधक। और सरकार की तरफ से अगर ये लागू किया गया है, योगी जी की सरकार की तरफ से, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बच्चों को इनका ज्ञान होना चाहिए और अगर ऐसा सरकार की तरफ से चला तो मैं सरकार को धन्यवाद जाता हूँ। बात रही कि आज काफ़ी अच्छा बच्चों के द्वारा स्काउट गाइड का ट्रेनिंग दिलाया जा रहा है, तो ये ट्रेनिंग कितने दिन आपके विद्यालय में चलेगा? विद्यालय में ट्रेनिंग 3 दिन चलेगी। आप कैसा करवाने महसूस कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को कुछ शिक्षा से हट के कुछ अलग बताया जा रहा है? तो ये शिक्षा से हट के तो नहीं है, ये शिक्षा का ही एक अंग है, लेकिन आज सरकार के समझ में आया कि शिक्षा का भी अंग है। शिक्षा के रूप में बहुत सी चीज़ें आती हैं, इसमें स्काउट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। गाजीपुर के जमानिया स्टेशन परिसर में रैन बसेरे का उद्घाटन किया गया। अब स्टेशन पर दूर दराज और लेट आने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको बताते चले कि स्टेशन परिसर के यात्रियों में रैन बसेरे के उद्घाटन के बाद खुशी देखने को मिली है। ये गरीबों असहायों के लिए एक छोटा सा प्रयास है, नगर पालिका की तरफ से SDM साहब के प्रोत्साहन से किया गया है और जाड़ा काफी आ रहा है, जाड़े के लिए सुविधा दी गई है। आपके तरफ से क्या सुविधा मुहैया कराया गया यात्रियों के लिए? बस वही अपना जाड़े से उनको जो बेसहारा असहाय लोग हैं उनकी मदद हो सके, सो सकें, अलाव की व्यवस्था की गई है, कंबल की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग दूर दराज से आकर यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, तो ये रैन बसेरे का उपयोग है कि अगर विलम्ब से कोई आते हैं तो कंबल मिल जाए और सामने अलाव मिल जाए तो अच्छा रहेगा। और इसी उद्देश्य से हमारे नगर पालिका के चेयरमैन और जो यहाँ के सभासद आदि है उनके सहयोग से इस रैन बसेरे का। भिवानी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने रिटायर्ड कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे अपनी पेंशन सहित अनेक मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने धरना दिया है और प्रदेश सरकार को अल्टीमेट भी दिया है कि यदि समय रहते उनकी मांगों पर सरकार गौर नहीं करती तो वे 12 ट्रेड यूनियनों की 8 और 9 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन देंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को लेकर अपील भी की है। रतन कुमार जिंदल, जिला प्रधान, रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला भिवानी। हमारी राज्य कार्यकारिणी के फैसले अनुसार अभी 10 जनवरी 2016 में के पत्र के अनुसार जो रिटायर कर्मचारियों को जो पेंशन संशोधन जो होना था वो अभी तक सरकार द्वारा लटकाए रखा हुआ है। 2 साल हो गए हैं, कभी परफॉर्मा चेंज कर दिया जाता है, कभी कह जाता है ऑनलाइन सिस्टम होगा। अभी बुजुर्गों को तंग किया जा रहा है सरकार द्वारा और सरकार ने 60, 65, 70 साल के बाद हमारी अलग से इंक्रीमेंट देने का वादा किया था, वो अभी तक लागू नहीं किया गया। कैशलेस फैसिलिटी जो मेडिकल की देनी थी अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया गया। केवल सरकार थोथी बातें करते हैं, वादे वादे करते हैं, कोई लागू नहीं कर रहे। और कर्मचारियों की हमारी मांग है, सभी विभागों के अंदर जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके सभी जो मामले हैं वो निपटाए जाएं शीघ्रता शीघ्र, अन्यथा हम लगातार
धरना प्रदर्शन देकर आगे के आंदोलन करेंगे। जहांगीराबाद में ओझा सेवा समिति के तत्वावधान में गंगा मंदिर पर श्री श्री 108 श्री संत महाराज जी की 22वें पूर्ण विधि निर्माण दिवस के रूप में मनाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संतों का जमावड़ा लगा रहा। कार्यक्रम के बीच अतिथि क्षेत्र के विधायक संजय शर्मा रहे। इस मौके पर महाराजाओं के प्रवचन सुन भक्तों ने आनंद की गंगा में डुबकी लगाई। आशा की जाती है कि संतों के पास प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये 22वां महानिर्वाण दिवस है और संतों की बात है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम ताज़तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुपर फास्ट इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।